ाहिद गोरा के शो बिला तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुश आमदी आप टैग टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आज के शो में बातचीत होगी भारत के जम्मू कश्मीर में होने वाले इलेक्शंस के हवाले से कि ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर के मुस्तबिल पर कैसे असर डालेंगे पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के जलसा के बाद पार्टी लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है क्या इन गिरफ्तारियों के बाद आर्मी और पीटीआई के रिश्तों में और खटास आएगी कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानी को अमरीका में बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी फैलाने के इल्जाम में क्यों गिरफ्तार किया गया है इसका जवाब ढूंढते हैं आखिर में देखेंगे कि ट्रंप और हैरिस की पहली डिबेट आने वाले सदारती इंतख्या पर कैसे असर डालेगी तो चलिए आज की बातचीत का आगाज करते हैं भारत के जम्मू कश्मीर में होने वाले इलेक्शंस के हवाले से कि यह इलेक्शन जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल पर कैसे असर डालेंगे इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए देखिए कोई भी इलेक्शन हो दुनिया के किसी हिस्से पर भी उसके जो रिजल्ट होते हैं वो उस खत्ते पे जरूर असर डालते हैं क्योंकि इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स होते हैं या तो इनकम्बेंट जीतते हैं या अपोजिशन की पार्टियां जीतती हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से जो खास तौर पर सिचुएशन है पाँच अगस्त 2019 के आर्टिकल्स 370, सेवनटी थर्टी ए की एब्रोगेसन के बाद ये पहले लजस्लेटिव असम्बली के इलेक्शन हो रहे हैं तो कश्मीर तब्दील हो चुका है 2019 हज़ार उन्नीस अगस्त की आर्टिकल्स 370, सेवनटी थर्टी ए के बाद तो क्या वहाँ के हालात भी तब्दील हो गए हैं इसका हमें मिलेगा इन इलेक्शंस में जवाब लेकिन जवाब जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही मैं आपको अभी से तजिया करके बताता हूँ तजिया ये है कि देखिए गुज्त पाँच छः बरसों में कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की छोटी चुछ छोटी पार्टियाँ भी बनी हैं मगर वो अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो कोई डेंट डाल सकें या कश्मीर के अंदर कोई ऐसे हालात नहीं हुए जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें कि जी वो पार्टियां डेंट डाल सकेंगी अब देखिए कश्मीर में हुआ क्या पाँच अगस्त 2019 के बाद पाँच अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में टेररिज्म स्टोन पेल्टिंग काफ़ी कम हुई है भारत के बारे में जो कश्मीरियों के विचार हैं वो बहुत दुरुस्त हुए हैं उनको अपने आप को कश्मीर अपने कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने में अब उनको गर्व महसूस होता है फ़ख्र महसूस होता है ये जनरल सिचुएशन है जो हम कनाडा में बैठ के कश्मीरी मंजरनामे के हवाले से देख रहे हैं और इवन जो कश्मीर में हमारे दोस्त बहुत सारे बैठे हुए हैं उनसे भी जब बात होती है तो वो भी यही बताते हैं कि हालात जाहिर ऑफ़ कोर्स वो नहीं है मुझे याद है पाँच अगस्त दो से पहले यूं लगता था कि जैसे वो कश्मीर पता नहीं दुनिया का कौन सा इलाका है कोई सीरिया का इलाका है क्योंकि उसमें हर वक्त स्टोन पेल्टिंग ही होती रहती थी तो अब देखिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है लोग तो कह रहे हैं कश्मीर में कि जी फ़र्क पड़ा है कुछ फ़र्क पड़ा है मैं ये कहता हूँ यहाँ बैठ के हम महसूस कर सकते हैं भाई बहुत फ़र्क पड़ा है आप कश्मीर शो करती हैं और उसमें सड़कें गलियाँ मोहल्ले बाजार चहल पहल से भरे हुए हैं एक्टिविटीज़ हो रही है हॉस्पिटल्स बन रहे हैं अच्छा ये सब कुछ नहीं हो सकता अगर स्टोन पेल्टिंग हो अगर पत्थरबाजी हो रही हो गोलियां चल रही हों तो कैसे हो सकता है तो ये सारी के सारी डेवलपमेंट्स वहाँ पे हो रही हैं तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है अब जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं और जो आ, हमारे हिंदू बहन भाई हैं वो बेचारे अभी भी फ्रस्ट्रेटेड हैं आई अंडरस्टैंड और उनका ये ख्याल होता है कि बहुत कुछ बदल जाना चाहिए मैं उनके साथ सिर्फ एहतराम करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि भाई पाँच सालों में बहुत कुछ नहीं बदल सकता जो आप तो को करते हैं ये रियलिटी है कि कश्मीर में बहुत कुछ बदला भी है यार ये कम छोटी बात है कि स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही ये कुछ छोटी मतलब बात नहीं आई और वैसे भी पॉलिटिकल प्रोसेस जो होते हैं वो बहुत स्लो लेकिन दूर रस होने चाहिए और वो हम पाँच सालों में देख रहे हैं कि वहाँ पे तब्दीली है फिजा में लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस आई है कि भई पीस होगा तो फिर ही प्रॉस्पेरिटी मुमकिन है जी वही वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो वो मंज़र नहीं भूलते जब ये कश्मीर से ख़बरें आती थी और उनके साथ ख़बरें जो थी स्टोन पेल्टिंग की वो हड़तालें हो रही हैं ये तकरीबन हर रोज़ का मामूल था अब ये आलमोस्ट नहीं है ये हम श्रीनगर की बात कर रहे हैं अच्छा फिर टेररिज्म भी बहुत खौफनाक होती थी अभी भी टेररिज्म हो रही है कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल ठीक कंसर्न्स हैं लोगों के लेकिन हमें कंपेयर तो करना होगा तब के हालात से और आज के हालात में वो नहीं है अब जो कश्मीरी पंडित हैं या जो मेरे हिंदू बहन भाई हैं ख़ासतौर पर वो ये कह रहे हैं कि भाई आ, कश्मीर में जो भी इकॉनमी का बूम आया टूरिज़्म का बूम आया आ, उसमें भी थोड़ी ऊंच नहीं चाहती रहती है मगर जनरली वो बूम ही चल रहा है अभी तक वो कह रहे हैं कि उसका फ़ायदा कश्मीरी पंडितों को नहीं है हिंदू बरदरी को नहीं है वो कहते हैं जी ये जो मुसलमान ग्रोह हैं ये अपनी अपरचुनिज़म की वजह से अब बदल गए हैं तो भाई ठीक है अगर वो अपनी अपरचुनिज़म की वजह से बदल गए हैं तो हम ये दुआ करें कि वो बदले ही रहें नंबर वन नंबर दो कोर्स फ़ायदा कश्मीर वैली की अगर हम बात करेंगे उसके दस डिस्ट्रिक्स हैं उनमें फ़ायदा जाहिर है मुसलमान कम्यूनिटी को ही होगा क्योंकि रहती वही अक्सरियत में वहीं पर है अब कभी धीरे धीरे हालात बर, बदलेंगे पंडित वापस जाएंगे तो फिर आ, हमारी हिंदू बरदरी भी बढ़ेगी जम्मू में जम्मू में तो हिंदू बरदरी की अक्सरियत है और वहाँ पे जो हालात हैं वो वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक है तो मकसद ये है कि अगर ये लोग बदल रहे हैं चाहे वह कश्मीरी मुसलमान ही हैं क्योंकि वह अक्सरियत में है उन्होंने उधर ही रहना है अगर ये बदल रहे हैं धीरे 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 तो वो आ, एक खुश खुश हैं हैं हा, अगर ग्रेजुअल चलता जी, जी तो ये खुश आइंद है अब मैं थोड़ी बात को खींच गया चूंकि बुनियादी सवाल आपका था कि ये इलेक्शन के हवाले से जम्मू कश्मीर का मुस्तबिल क्या नजर आता है तो देखिए इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आएंगे जैसा मैंने शुरू में कहा हम ये तो को नहीं कर सकते कि जो नई सियासी पार्टियां उभरी हैं वो कोई डेंट डाल सकेंगी अभी जो वहाँ के पोल्स भी बता रहे हैं जो हालात भी बता रहे हैं जो हमारे दोस्त हैं मेरी उनसे भी बात हो रही है वो भी ये बता रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला की फैमिली की जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस वो इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी की पार्टी के साथ मिलकर एक बड़ी लीड लेती नज़र आ रही है अब मुझे मालूम नहीं कि जम्मू कश्मीर के हवाले से वो कोई मेजॉरिटी गवर्नमेंट बना सकेंगे ये एक मुश्किल बात है क्योंकि जम्मू में बीजेपी का ज़्यादा होता है असरअंदाज उनका इलेक्शन पे और फिर महबूबा मुफ्ती की पीडीपी पी और फिर दूसरे लोगों से जा लोन और इन लोगों की जो पार्टियां हैं ये भी कहीं ना कहीं अपने अपने इलाके के हिसाब से कहीं कोई बारामूला के डिस्ट्रिक्ट में कहीं कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना ये शेयर लेके जाएंगे जी लेके जाएंगी और ये दुरुस्त है कि ये पार्टियां दोनों तरफ खेलने वाली हैं ये भारत के प्रो होने का दावा भी करती हैं और फिर इनके कई ऐसे एक्शन होते हैं जिसमें एकदम से एंटी भी हमें महसूस होती हैं लेकिन रियलिटी ये है कि यही पार्टियां 19-20 के फर्क के साथ वहाँ पे अपना अपना शेयर लेंगी और मुझे नहीं लगता आ, कश्मीर के पंडितों की तरह ही आ, मैं भी यहाँ बैठ के एनालाइज़ कर रहा हूँ कि वहाँ पे शायद कोई मेजॉरिटी सरकार बन सकेगी बनेगी गबन कोलिशन सरकार ही तो उस कोलिशन सरकार के बनने के बावजूद इलेक्शन का प्रोसेस दोबारा से लजस्लेटिव असम्बली में शुरू हो रहा है तो ये आगे चलेगा फिर ये जो नई पार्टियां हैं वो अपने आप को मज़ीद मजबूत करेंगी फिर ये बड़ी पुरानी पार्टियां जो हैं ये अगर दोबारा आती हैं जैसा कि आती नज़र आ रही हैं अपना शेयर लेती नजर आ रही हैं तो फिर जब ये इनफेक्टिव होंगी अपने वादों में अपनी कार्रवाई में तो फिर ये पीछे हट जाएंगी तो यही है मुस्तकबिल कश्मीर का इन इलेक्शन के बाद तो अब फिर इससे तो ये सवाल उठता है कि अगर इन इलेक्शन के बाद वही पार्टियां वापस इकतदार में आती नजर आती हैं तो फिर कश्मीर में 2019 के बाद की तब्दीलियों को आप कैसे देखते हैं यानी वो पीरियड जिसके अंदर के वो सब प्रोसेस बदला और चेंज आई उसको देखिए 2019 के बाद कश्मीर के माइंडसेट में कश्मीर के हालात में कश्मीर की इकॉनमी में कश्मीर के टेररिज्म की आ, कम होने आ, की सिचुएशन में बड़ी अहम तब्दीलियाँ हुई हैं अब आपका ये सवाल है कि अगर यही पार्टियाँ जो अरसा दराज से कश्मीर के लजस्लेटिव असम्बली में छाई रही हैं अगर ये पार्टियाँ फिर से छाई नज़र आएंगी जैसा कि लग रहा है पोल्स बता रहे हैं तो क्या तब्दीली हुई मैं फिर भी इसको तब्दीली कहूंगा क्योंकि हालात में बहुत तब्दीली हुई है अब पोलिटिकल एरिना में चूँकि कोई तब्दीलियाँ नहीं हुई थी पोलिटिकल एरिना में ठीक है छोटी छोटी कई पार्टियां वहाँ पर बनी मगर वो आवाम को अभी अपने साथ जोड़ नहीं सकी आवाम अभी पुरानी बड़ी पार्टियों के साथ जुड़ी हुई कोई हर्ज वाली बात नहीं होती अब आप देखते हैं हम में 19-20 का भी कभी, कभी फ़र्क आता है कभी बेतहाशा फर्क आता है पार्टियां तो वहाँ पे भी दो ही हैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन तो ये नहीं होता कि जो आ, सदर रेगन के ज़माने के रिपब्लिकन हैं वो सदर ट्रम्प के ज़माने के भी वैसे ही होंगे फ़र्क होता है तो वी होप सो कि ठीक है तब्दीलियाँ अगर ग्राउंड पे बहुत सारे लेवल्स पे इकॉनमी माइंड uh, सेट uh, इन सब के लेवल पर अगर तब्दीलियाँ आई हैं तो भले से यही पार्टियाँ अगर दोबारा से इलेक्ट uh, होती हैं और इनको भी इन्हीं ग्राउंड रियलिटीज़ जो आज की हैं उनके साथ चलना पड़ेगा अगर ये नहीं चलेंगे तो ये फिर यकीनी तौर पर अगले इलेक्शन में अपना शेयर लूज करेंगे और उनका प्रोसेस जो एक प्रोसेस में पार्टी बनने का एक प्रोसेस भी तो होता है ना आप एट द टाइम ग्रो करते हैं एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेके तो फिर वो प्रोसेस भी बहुत मुतासर होता है जब आप उसके रिजल्ट्स नहीं देख पाते हाँ तो वो अब मैं होपफुल हूँ कि ये पार्टियाँ इन पार्टियों से तो मैं होपफुल इतना नहीं हूँ मगर चूँकि वहाँ के हालात से मैं हौफ, बहुत होपफुल हूँ वहाँ के हालात ऑलरेडी 2019 हज़ार उन्नीस पाँच अगस्त के बाद काफ़ी बदले हैं और वो हालात इन पार्टियों को अपना रवैया बदलने पर मजबूर करेंगे अगर ये पार्टियाँ अपने रवैये को ना बदल पाएं और वापस चली गई यही रेटरक लेके जी कि हम जब भी कभी आएंगे मेजोरिटी में कहेंगे आ, भारत सरकार से कि थ्री सेवेंटी को रिपील कर दिया जाए अगर इस तरह की टुपट बातें करेंगे तो फिर जो नई पार्टियां ऑलरेडी बनी हुई हैं उनका मोमेंटम बढ़ेगा उन नई पार्टियों को अगले इलेक्शन में अपना मुकाम बनाने की गर्ज़ से अपनी सियासी एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहिए और ख़ास तौर पर जो सेंटर की सरकार है उनको उनकी मदद करना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि जहाँ जम्मू कश्मीर में इतनी तब्दीलियाँ आई हैं वहाँ सियासी मंजरनामे में भी तब्दीलियाँ आएँ तो फिर सरकार को और भारत के स्टेक होल्डर्स को उन पार्टियों की भी मदद करनी होगी और उन पार्टियों को भी अपने काम के मोमेंटम को बढ़ाना होगा वो पार्टियाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल जद्दोजहद को सिर्फ फंड रेजिंग या पैसा इकट्ठा करने के हद तक ना रखें बल्कि लोग इकट्ठे करने की हद हाँ तक अपना मिशन रखें वो इम्पोर्टेंट होता है पॉलिटिक्स होना चाहिए जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जॉब्स और जो सारा कंटिन्यूटी हुई है उन प्रोग्राम्स की कंटिन्यूटी के ऊपर तोज्जो आनी चाहिए चलिए अब इस्लामी पार्टी कश्मीर से मिस्र तक इंतखाबात यानी जमहूरी सफर को क्यों पसंद करने लगी हैं हाँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है आ, जब इजिप्ट में कुछ साल पहले वो मुस्लिम ब्रदरहुड की जमहूरियत के ज़रिए यानी इंतबात के जरिए हकूमत बनी थी तो फिर जाहिर है उस हकूमत ने वो कुछ किया और उस हकूमत के ख़िलाफ़ फिर वो जो इजप्ट का जो कैपिटल है वहाँ पर मिलियंस लोग निकल आए और फिर वहाँ की आर्मी ने फ़ायदा उठाते हुए आ, वो उसको चलता किया उस जमहूरी हुकूमत को वो जमहूरी हकूमत तो थी मगर जमहूरी रवैये नहीं अब ये जो इस्लामी पार्टियां हैं चाहे वो कश्मीर में हो, हमने देखा इंडिया के अभी सेंट्रल इलेक्शन जब हुए थे कुछ महीने पहले तो उसमें जेल में बैठे हुए एक इस्लामिस्ट आ, को अच्छे खासे वोट मिले और वो लोकसभा का मेंबर बन गया तो इस सारी सूरत हाल में अब इस्लामिस्ट हलकों ने जो मुसलमान हल्के भी हैं देखिए जब हम इस्लामिस्ट कहते हैं तो वो पोलिटिकल इस्लाम वाले हल्के हैं जब मुसलमान कहते हैं तो वो जनता है मगर इस्लाम हल्के जो हैं जो परसेंटेज में थोड़े होते हैं वो मुसलमानों के जो जर्नल हल्के हैं उनको इन्फ्लुन्स कर लेते हैं चूँकि कुछ ऐसा मतलब माइंड है उस माइंड की वजह से अब ये जो इस्लाम हल्के हैं इन्होंने ये सीख लिया है कि भाई हमारे तो बच्चे बच्चे ज़्यादा होते हैं हमारी पापोलेशन ज़्यादा होती है तो अगर जहाँ कहीं भी इलेक्शन होंगे तो हम तो वोट ले जाएंगे और अगर किसी जैसे अमेरिका कनाडा में हम देखते हैं यहाँ पे वो ये देखते हैं कि अगर किसी जगह पे वो अपना कैंडिडेट ना भी जितवा सकें इस्लाम के तो वो किसी पार्टी को कहते हैं जी कि हम आपको अपने वोट देंगे हमारे पास बहुत वोट है और उनके पास वोट होते हैं वो कहते हैं जी कि हम आपको वोट देंगे बंदा आप ही का जीतेगा कोई गोरा जीतेगा मगर यह है कि आप हमारी बात सुनेंगे तो अब इस्लामिक सर्कल ने ये सीख लिया पहले इनका आज से कोई बीस तीस साल पहले ये ख्याल होता था कि जमहूरियत जो है डेमोक्रेसी जो है ये इस्लाम आ, के मुताबिक नहीं है अब उन्होंने ये सीखा कि भाई इसमें तो फ़ायदा होता है हमें हमारी तो तादाद होती है अब देखिए ना भारत में जहाँ कहीं भी मुसलमान बड़ी तादाद में जिन जिन इलाक़ों में रहते हैं तो वहाँ पर जो भारत की पोलिटिकल पार्टियाँ हैं बीजेपी के अलावा वो मुसलमानों को सीट देने की कोशिश करते हैं इन्फ्लुशियल हो जाते थीक हैं थीक है आपके वोट की वैल्यू होती है आपकी बात ठीक देख देखिए जमूरीत क्या किसका नाम है जमहूरियत इस चिड़िया का नाम है कि भाई जितने वोट मिले आप जीत जाए अगर आपके पास अक्सरियत है ज्यादा वोट मिलेंगे आपको तो आप जीत जाएंगे उसमें कोई क्वालिटी का मसला तो है ही नहीं उसमें तो क्वांटिटी का मसला है तो उन्होंने अब इस्लामिस्ट ग्रोहों ने यह फैसला किया है कि भाई अब हम अपनी क्वांटिटी को ही स्ट्रेंथ बनाएंगे जहाँ जहाँ हमारी क्वांटिटी है हम वहाँ वहाँ अपनी सीटें भी निकालेंगे और जहाँ जहाँ हमारी क्वांटिटी नहीं है फिर भी हमारा अच्छा खासा वोट शेयर है वहाँ पे हम दबाव बढ़ाएंगे तो अब उन्होंने जमहूरीत सीखी है मगरबी दुनिया से पहले जमहूरीत के वो ख़िलाफ़ होते थे तो अब उन्होंने कहा नहीं ये तो जमूरीत तो हमारे फ़ायदे के लिए इससे तो हमें बड़ा फ़ायदा होता है हम हम अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएं और धीरे धीरे कब्जा करें तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और उसमें काफ़ी कामयाब है चलिए अब पाकिस्तान की तरफ चलते हैं पाकिस्तान में बिलाकर तहरीक इंसाफ पार्टी ने सियासी जलसा कर लिया इस जलसे के बाद पार्टी लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है क्या इन गिरफ्तारियों के बाद आर्मी और पीटीआई के रिश्तों में खटास आएगी इस पर रोशनी डाली देखिए मेरा नहीं ख्याल कि ये जो अभी आठ सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत महीनों बाद एक जलसा किया है उस जलसे के बाद उनके कुछ लीडर्स को गिरफ़्तार किया गया बैरिस्टर गोहर को आ, और शुआब शाहीन को और एक और को भी और भी कुछ वर्कर्स को और मुकामी लीडर्स को भी गिरफ़्तार किया गया आ, तो क्या इससे खटास आएगी बिल्कुल खटास नहीं आएगी उनका जलसा काफ़ी हद तक कामयाब हुआ है आ, जितना जलसा वो कर सकते थे कर लिया उन्होंने अब यह तो नहीं है कि उनके जलसे में लाखों लोग आए थे चंद हज़ार लोग आए थे इतने लोग नॉर्मली पहले भी आते थे को पाँच दस हज़ार के प्लस माइनस के साथ तो अब ये अच्छा खासा नंबर था जो उनका आ गया उसमें गवर्नमेंट ने यह उन पर लगाई जो आ, उन पर इल्ज़ाम लगाए गवर्नमेंट ने कि भाई आपने जो हमने आपको जलसा गा यानी जलसे का जो मैदान देने पर शरायत रखी थी वो आपने पूरी नहीं की और बताया जाता है कि जलसा गाह तक पहुंचने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट ने रुकावटें भी खड़ी की थी मैं इसको यूं देखता हूं कि मुझे यूं लगता है कि गवर्नमेंट ने पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त इसलिए दी थी कि वो गवर्नमेंट ख़ुद भी चेक करना चाह रहे थे कि भाई कितने लोग इनका आते हैं जब मैं गवर्नमेंट कहता हूँ ये पाकिस्तान आर्मी है चूँकि पाकिस्तान आर्मी की परमिशन के बग़ैर कोई वहाँ जलसा वसा नहीं हो सकता उन्होंने चेक किया कि भाई कितने लोग आए कितनी इनकी कैपेसिटी है कैसे ये बिहेव कर रहे हैं उन्होंने एक टेस्ट किया नंबर एक नंबर दो फिर उन्होंने ये भी कहा कि बड़े अरसे से ये तरीक़े इंसाफ़ वाले कह रहे थे कि हमें जलसा नहीं करने दिया जाता जलसा नहीं करने दिया जाता चलो इनको जलसा करने देते हैं और फिर देखते हैं कि इनके क्या आ, मतलब इल्ज़ाम सामने आते हैं या क्या नतज सामने आते हैं और फिर उसमें अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम उसकी बुनियाद पर कह देंगे जी आइंदा आपको जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी अब वो जलसा हो, हो गया कुछ लीडर पकड़े गए आई एम श्योर कि ये जो लीडर है इनके ऊपर कोई बहुत सख्त चार्जेस नहीं है ये शायद हमारा जब ये शो ऑन एयर जाएगा इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स तो शायद ये बाहर भी हो आ, जैसा कि हर जलसे में होता है हाँ, हर, मत, तकरीबन हर जलसे को हम देख हाँ, रहे हैं पाकिस्तान की में पाकिस्तान के जलसे तो वो वो होता है अब सिलसिला ये है कि ये बाहर आ जाएंगे अब इनमें कोई खटास नहीं होगी ये मैं इसको एक जिसे हमारे पाकिस्तान में एक असलाह बढ़ता है नूरा कुश्ती है दिखावे की कुश्ती है ये दिखावे की कुश्ती है असल में देखने वाली बात यह है कि इमरान खान को पाकिस्तान आर्मी सबक सिखाना चाहती है चूंकि इमरान खान जिद्दी आदमी उनकी बात नहीं सुन रहे लेकिन चूंकि इमरान खान अवाम के पाकिस्तानी अवाम में बहुत पॉपुलर लीडर है इस वक्त इसमें कोई शक वाली बात नहीं और उन्होंने इस, इस जलसे से प्रूफ किया जलसे से पहले एक्चुअली तो इलेक्शन में प्रूफ किया है इलेक्शन में उनके पास ना उनकी पार्टी के सिंबल्स थे ना पार्टी की कोई फॉर्मल हैसियत थी फिर भी वो लोग जीते हैं तमाम दर्दांधली के बावजूद अब ये है कि पाकिस्तान आर्मी क्रश तो करना चाहती है इमरान खान को नहीं इमरान खान की ज़िद्द को क्योंकि इमरान खान भी उनके काम के आदमी रहे हैं आप कल भी हो सकते हैं उनके काम के आदमी पाकिस्तान आर्मी का कोई इसमें अना का मसला नहीं होता उनका मसला ये होता है कि जो हमने लाइन दी है वो हर वक्त कोई ना कोई नई लाइन टो करने के लिए देते हैं टेम टेम करना करना हाँ, लीडर को चाहते तो वो है, कहते हैं है। है कि भाई अगर आपने इस लाइन पे चलना है तो हम आपके साथ हैं देखिए नवाज शरीफ के साथ उनके कितने इख्तलाफा रहे तीन बार उनको हटाया फिर वो आ गए इसी तरह अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के साथ भी यही मामला था अब वो इमरान खान को भी कह रहे भाई एक दफा हमने आपको हटा दिया है हम आपको दोबारा भी बनने देंगे बट यू बिहेव खान साहब चूंकि बिहेव नहीं कर रहे हैं उनका एक तो मजाज नहीं है दूसरा उनको दिख रहा था जनरल फैज़ अमीद और दो दूसरे लोगों की सूरत में कि भाई उनके पास आर्मी के अंदर भी बहुत सपोर्ट है तो वो ज़रा दिखाएं अपना अपनी जिद भी दिखाएं वो जिद बरए जिद नहीं है वो उसमें अपनी पावर दिखाना चाहते हैं क्योंकि वही पावर जो इमरान खान दिखाते हैं उसी पावर की वजह से इमरान ख़ान की मकबूलियत होती है तो वो पावर जो है वो उनका पोलिटिकल एसेट है तो वो वो इस तरह खेल रहे हैं अब ये प्रेशर सारे का सारा इसलिए चल रहा है कि इमरान खान की पार्टी को इस जलसे की बुनियाद पर आर्मी ने टेस्ट किया जलसे वालों ने भी टेस्ट किया कि आर्मी क्या उनसे चाह रही अब देखने वाली बात यह है कि आगे जाके क्या इमरान खान आर्मी की जो ख्वाहिशात हैं जिस तरह आर्मी चाहती है कि वो और उनकी पार्टी बिहेव करें अगर वो उस तरह बिहेव करते हैं तो फिर ये जो थोड़ी बहुत खटास भी है ये खत्म हो जाएगी चलिए अब इस तरफ आते हैं कि पाकिस्तान के बदनाम जमाना जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के प्रोसेस में इमरान खान पर दबाव किया गया उनको पाकिस्तान आर्मी की शराय का पाबंद करना इस दबाव का मकसद उनको आर्मी की शरात वही बात जो आप पहले कह रहे थे तो इस पर थोड़ी सी मज़ीद बात कीजिए हाँ देखिए इमरान खान को अब जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो कोर्ट मार्शल का प्रोसेस हो रहा है जो उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस के नतीजा में दबाव डालना है और उसमें आर्मी काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई है अब ये दोनों जो ग्रुप्स हैं यानी पाकिस्तान आर्मी और तहरीक इन ये एक दूसरे के नर्व स्ट्रेस कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि भाई कितना कुछ हमारे ऊपर आएगा आर्मी की तरफ से हम सह सकें इसी तरह आर्मी भी इस क्राइसिस से निकलना चाहती है इसलिए कि आर्मी की पॉपुलैरिटी भी दाव पे लगी हुई है और वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग जो आर्मी के पपेट रहे हैं सारी जिंदगी उनके वो जो है परचम परदार रहे हैं वो कैसे वापस आएं और आर्मी के गीत गाएं मगर वो इमरान खान की जिद जो है उसकी वजह से यह हट दर्मी आप कह लीजिए या उसका जो एक पोलिटिकल असमेंट है इमरान ख़ान की कि भाई मैं इसी तरह ही मकबूल रहूँगा अब ये सारा खेल चल रहा है अब उन्होंने जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल का जो प्रोसेस चल रहा है जो ख़बरें पाकिस्तान से हमें मिल रही हैं उसके तहत उन्होंने जनरल फैज़ हमीद का के ऊपर शिकंजा कस लिया है अब जनरल फैज़ हमीद अब मुकम्मल तौर पर शिकंजे में आते हैं तो फिर इमरान खान भी शिकंजे में आएंगे तो वो ये दिखा रहे हैं आर्मी वाले भाई फैज़ अमीद जो तुम्हारा सहूलतकार था तुम्हारा सबसे राइट हैंड था अब ये सब कुछ उगल रहा है अब तुम्हारी बारी है और अब यह है कि तुम बदल जाओ अगर तुम बदल जाओगे तो हम कोई ना कोई बीच बचाओ की राह निकाल लेंगे अब ये आने वाले कुछ हफ्तों पे डिपेंड करता है कि फैज़ अमीद के जो भी इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट आते हैं उसके नतीजा में इमरान खान कितना बदलते हैं और या फिर आर्मी कुछ थोड़ा बहुत बदलती है कि इमरान खान का भी दबाव है यानी इमरान खान के दबाव से मुराद उनकी पार्टी का दबाव भी है तो इस सारी हाल में अब ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि किसके नर्व्स किस पर भारी होते हैं चलिए यहाँ पे एक और बहुत मीडिया में सर्कल कर रही है बात कि इमरान खान की हिमात में इसराइल के एक अखबार में आर्टिकल छपा है क्या इमरान खान के इसराइल के साथ रिश्ते हैं रिश्ते अगर हैं तो आप इस पर कुछ तबसरा कीजिए कि ये क्या देखिए है इमरान खान बुनियादी तौर पर एक जो है बहुत ही नौटंकी बाज सियासतदान है यानी काफ़ी कामयाब सियासतदान है क्योंकि सियासतदान आमतौर पर नौटंकी बाज ही हो तो कामयाब होते हैं उनके पास कई कार्ड्स होते हैं अभी जो वो आर्मी के साथ फड्डा ले रहे थे पहले तो वो आर्मी के पपेट थे पाकिस्तान आर्मी के फिर फड्डा लेना शुरू कर दिया क्योंकि वो अपनी ज़ात के भी एक शनशाह हैं वो चाहते हैं कि हर चीज़ उनके इर्दगद गुमे तो जब उन्होंने आर्मी के साथ फटा लिया उनको जब पावर से निकाल दिया गया तो उनको बहुत यकीन था कि आर्मी के अंदर उनके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है उस वक्त जनरल फैज़ हमीद इन सर्विस थे और भी बहुत सारे जनरल थे फिर जब जनरल आसिम मुनीर आए तो उसके बाद जनरल फैज़ हमीद ने रेजिग्नेशन दे दिया एक दो और जर्नैलों में दिया फिर यह नौ मई का वाक़ा हुआ पिछले साल दो हज़ार तेईस में उस वाक्य के बाद पाकिस्तान आर्मी ने कुछ सौ से ज्यादा आर्मी ऑफिसर्स का कोर्ट मार्शल किया उनको पकड़ा कुछ की खबरें आई कुछ का पता ही नहीं चला तो इमरान खान के पास वो कार्ड आज तक है आज भी इमरान खान की पाकिस्तान आर्मी के अंदर सपोर्ट मौजूद है मगर अब उतनी मजबूत सपोर्ट मौजूद नहीं रही जितनी कभी हुआ करती थी तो इस सारी सूरत हाल में एक जो तीसरा कार्ड है वो है इमरान खान के रिश्ते नाते वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अच्छा इमरान खान ने यह तो हमेशा कहा कि मुझे अमरीका ने निकाला इकतदार से और वो एक कागज़ अमेरिका का वो लहराया करते थे जो सफ़ारती एक था साइफ़र वो ये लहराया करते थे कि ये सबूत है कि अमेरिका ने मुझे बाहर निकाला हालांकि उनके अमेरिका से बहुत अच्छे तल्लक थे और हैं इसलिए कि इमरान ख़ान की पार्टी के बहुत ज़्यादा जो सपोर्टर हैं वो पाकिस्तानी बैकग्राउंड के अमेरिका में लोग बसते हैं और वो ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं मेरे अपने दर्जनों डॉक्टर्स दोस्त जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के मैंबर हैं वो मुझसे कभी कभी मैसेज भेजते हैं मेरे ऊपर गुस्से का अजहार करते हैं कि मैं इमरान ख़ान पे तनकीद करता हूँ हालांकि मैं तनकीद आर्मी पे भी करता हूँ इमरान खान पे भी पाकिस्तान के ये पीपल्स पार्टी के बिलावल भट्टो नामी इमेचोर छोकरे पे भी तबसरा जी जर्नलिस्ट का बहुत बड़ा फैक्टर होता है उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा होता हाँ है। लेकिन बिल्कुल ठीक है मगर वो इस बिना पे मेरे अपने ज़ाती दोस्त जो मेडिकल कॉलेज में, में मेरे दोस्त हुआ करते थे बहुत करीबी उनमें से दोस्त वो मुझसे नाराज़ रहते हैं कि भाई तुम तो इमरान खान के आ, हामी क्यों नहीं हो अच्छा मैं इमरान खान का आ, हामी नहीं हूँ मगर ये भी सच है कि इमरान ख़ान का जो जो क्रेडिट है मैं वो क्रेडिट हमेशा देख देता हूँ और दूसरे पाकिस्तान के सियासतदानों का भी मैं कतन हामी नहीं हूँ और पाकिस्तान आर्मी का तो मैं सख्त नाक दूँ खैर अब जो इसराइली जो इनका वास्ता है चूँकि इमरान खान के अमरीका के साथ भी अच्छे मुसम हैं और दूसरा बड़ा फैक्टर इमरान खान की सबका बेगम जमा ख़ान का है जमा ख़ान एक इंतहाई इन्फ्लुशल फैमिली से तल्लक रखती हैं उनके भाई ने आ, लंडन मेयर का इलेक्शन भी गालबन लड़ा था जिसमें इमरान खान ने जमा के भाई की मदद की थी अच्छा ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है मामला कि इनकी इनकीदगी हो चुकी है कई सालों से मगर ऑफ कोर्स इमरान के दो बेटे जो जुमायमा के भी बेटे हैं वो जुमा के साथ रहते हैं और जुमा को इमरान से बहुत हमदर्दियाँ हैं उनकी इमरान से सेलहदगी के बाद कई और रिश्ते नाते बने जो उनका हक हाँ था और उनका हक हाँ है ऑफ कोर्स आ, लेकिन वो इमरान खान की हमदर्द रही चूँकि इमरान खान ने उनके साथ अच्छा सलूक किया होगा ये एक मैं झाती सतह पर उनको दोनों को अप्रीशिएट कर रहा हूं कि दोनों एक दूसरे से जुदा होने के बाद भी एक दूसरे के खैर खुआ रहे हैं और वो उनकी सबका बेगम चुके इस पोजीशन में है कि उनकी बहुत मदद कर सकती हैं कहा जाता है कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो सदर ट्रंप से इमरान खान की मुलाकात जमाइमा के भाई ने करवाई थी वो बहुत स्ट्रांग फैमिली है सबको पता है अच्छा फिर बरतानवी हुकूमत कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है उनके साथ जमा ख़ान की फैमिली के बहुत रिश्ते नाते हैं वो बहुत एलीट क्लास है इवन लेबर पार्टी के अंदर भी उनकी बात सुनी जाती है जब ये एलीट क्लास होगी भले से आप अपोजिशन पार्टी के क्यों ना हो आपकी बात सुनी जाती है तो वहाँ से इमरान को सपोर्ट हासिल है इसलिए भी पाकिस्तान आर्मी बहुत शदीद एक्शन इन्हें इमरान के खिलाफ करते हुए सौ बार सोचती है क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर इमरान की लॉबी बहुत मजबूत है इस सारी सूरत हाल में अब जो सिलसिला है इमरान के मुताबिक चूँकि जमायमा ख़ान की जो फैमिली है वो जू फैमिली है और उनका बहुत अच्छा रिश्ता नाता है इसराइल के साथ तो इमरान ख़ान के इसराइल के साथ रिश्ते नाते हैं अब पाकिस्तान में मुस्लिम लीग हो या कोई और पीपल्स पार्टी हो या वहाँ की मजहबी जमातें इमरान खान की फैमिली फैमिली कह लीजिए बेटे बेटे तो इमरान खान के हैं ना वो तो जूह है माँ उनकी जू है ये हमें ये यहाँ पे कल्चर डिफरेंसेस भी हैं क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में आप शादियाँ छोड़ के भी लात ताल्लुक नहीं हो सकते नहीं होते आपके आपस में अच्छा नहीं एक तो की बात है ना वो उनके खसूसी एहतराम के हाँ, ये, ये फ्रेंडशिप्स भी होती हैं फ्रेंडशिप के है, तो वो, वो है। इंसानी एक, एक अच्छा एस्पेक्ट कहता हूँ आई हर के उन्होंने इमरान के लिए हमेशा एक इज्जत वाला रवैया रखा और साथ दिया प्रैक्टिकल साथ दिया अब देखिए ना जो बेटे हैं उनके इमरान के और जमा के वो बच्चे भी चूँकि जूश रिलीजन में बच्चे तो माँ से आते हैं ना उनकी जो लीनेज होती है तो वो भी जूश है अच्छा देर इज़ नथिंग रॉन्ग कि पाकिस्तानी मुसलमान का जूस के साथ अच्छा तल्लक ना हो ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जूस के ख़िलाफ़ एक बहुत बुरी फजा है शर्मनाक बात है अच्छा इवन इमरान खान भी टाइम वो इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी में बह जाते हैं एक तो उनके अंदर एक मौलवी है दूसरा फिर उनकी पोलिटिकल कंजम्पशन होती है लेकिन इसके बावजूद जब पोलिटिकल कंजम्पन दूसरी सतह पर है यानी अगर इंटरेस्ट की है तो उसमें फिर इसराइल के साथ इमरान खान का जो तल्लक वास्ता है वो बनता है और उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं अब मुस्लिम लीग वाले तो इसको नफ़रत के तौर पर उछालेंगे ना ये उनका एक घटियापन है अगर वो ऐसा करते हैं वो करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए चूंकि इमरान खान के या पाकिस्तान के जराइल के साथ अच्छे तल्लक होंगे ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है क्योंकि जब पूरी अरब दुनिया सवाई फलस्तनी के गए इसराइल के साथ अच्छे तल्लक बना के बैठी हुई है सबसे ज्यादा इसराइल को तनकीद करता है तुर्की और सबसे ज्यादा तजारत तुर्की की है इसराइल के साथ यू ए ने तलुक अच्छे रखे हुए हैं बहरीन के अच्छे हैं कतर के भी रीज़नेबल हैं सऊदी अरब के भी बुरे तल्लक़ात नहीं हैं वो तो तल्लक़ बहुत अच्छे करने वाले थे ये जो इन्होंने सात अक्टूबर लास्ट ईयर इन्होंने जलालत की है आ, हमास वालों ने तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो इसराइली न्यूज़ पेपर में आर्टिकल इमरान की हमायत में छपा है ये वेस्टर्न वर्ल्ड को एक मैसेज है कि सेव इमरान तो वो इमरान के लिए ही एक अच्छा आर्टिकल है इमरान खान के लिए अच्छा है अगर मुल्क की पॉलिटिक्स को देखा जाए पाकिस्तान के हवाले से तो उसमें भी वो बात सही है कि मस्बत किरदार अदा हो सकता है अगर किरदार ही अदा करना है किसी ने तो ये मौजू शख्सियत है इसमें कोई दोराई नहीं हो सकती चलिए अब हाँ आते हैं अब हम आते हैं कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानी की कनाडा में गिरफ़्तारी की तरफ जिससे कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी फैलाने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया इसकी क्या वजूहत हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है गालबन शाहजेब ख़ान इस शख्स का नाम है जिसकी उम्र 20 साल बताई जाती है और पाकिस्तानी नेशनल है और गालबन कनाडा में परमानेंट रेजिडेंस पे है आ, या हो सकता सिटीज़न हो चुका हो मुझे इसका नहीं अंदाज़ा मगर इसको कनाडा में गिरफ़्तार किया गया है और बहुत लेंथी इन्वेस्टिगेशन के बाद जिसमें कुछ मोल्स थे यानी कुछ ऐसे जसूस थे जो इनके साथ ऑनलाइन रबते में थे और वो गाल अमेरिकन थे वो और मिस्टर ख़ान ये आपस में रबते करते रहते थे तो वो उन्होंने शायद ये किया होगा उन जासूसों ने कि भई हम भी आपकी तरह हम ख्याल हैं तो ये शाहजेब ख़ान जो खबरें आई हैं उनके मुताबिक जो इनके ऊपर इल्ज़ाम हैं उनके मुताबिक शाहजेब जो हैं इन पर ये है कि ये अमेरिका में बड़े पैमाने पे जाके कोई टेर्रज़म करना चाहते थे आ, पब्लिक फायरिंग भी करना चाहते थे और ख़ास तौर पर यहूदियों के इलाकों में जाके ये फायरिंग वायरिंग करने का आज़म लिये हुए थे और इसके साथ साथ आ, ये किसी सेना में अगर उनको मौका मिलता तो वो वहाँ पे जाके तबाही फैलाना चाहते थे आ, ये वो बातें थी जो वो शेयर करते रहे उन मोल्स के साथ उन जसूसों के साथ जो अमेरिकी साइड से थे फिर अमरीकी जो इंटेलिजेंस वाले हैं उन्होंने कैनेडियंस को ऑन बोर्ड लिया फिर कैनेडियंस ऑन बोर्ड आए कैनेडियन इंटेलिजेंस वाले और फिर ये इन्वेस्टिगेशन चलती रही इनको सुपरवाइज़ करते रहे फिर उनके पास आ, लगता यही है कि बहुत कंक्रीट सबूत आए तो उन्होंने हाथ डाल दिया और उनको कैनेडा से गिरफ्तार कर लिया गया तो ये सिचुएशन अफसोसनाक है इसलिए कि ये जो रवैया है ये टेररिज्म का खत्म होना चाहिए और वही जो अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि यहूदियों के खिलाफ जो नफरत है पाकिस्तानियों के अंदर और मुसलमानों के अंदर जनरली भी उसको खत्म होना चाहिए भाई हद हो गई है कोई इंसान बनना चाहिए अब हम ग्लोबल वेलेज में रहते है कब तक हम इतने घटिया स्टूडियो टाइप लेके चलते फिरेंगे स्टूडियो टाइप के साथ जबकि इसके ऊपर बहुत सी डिबेट बहुत से नतज सामने

इस तरह के ऑपरेशन होते हैं उनको करीब करीब से एज ए जर्नलिस्ट वॉच किया है नॉर्मली ये इस तरह के केसेस अनडू नहीं होते क्योंकि इतना पक्का हाथ डालती है सरकार इसमें तो दो सरकारें है, इन्वॉल्व हैं अभी शाहजैब खान की बात हुई एक और लड़के की भी कुछ मेरा खाली डेढ़ दो महीने पहले खबर आई थी उसका नाम था गलबन अली मर्चेंट समथिंग लाइक मर्चेंट उसका लास्ट नेम था वो पाकिस्तान से अमेरिका गया था अब वो पाकिस्तान से अमेरिका गया था और उसका इरादा क्या था कि जो अमेरिकन टॉप के पॉलिटिशियंस हैं जो जो उसके हथे चढ़ सके वो उसको मार दें उन पर फायरिंग करें अब वो वो मिस मर्चेंट मर्चेंट नाम ऐसा है जो गालबन मेमन फैमिली होती है मुझे बड़ा शौक हुआ मेमन आर गुड इन बिजनेस वो तो बड़े पढ़े लिखे हाँ पढ़े लिखे लोग calm. होते लेकिन लेकिन ये लड़का कराची से गया ज़ाहिर है ये भी कुछ ना कुछ पढ़ा लिखा होगा मजदूर टाइप का लड़का नहीं था और इसी तरह ये जो कैनेडा से अरेस्ट हुआ है शाह खान ये कैनेडा में रह रहा है यहाँ पढ़ता पढ़ता होगा कोई मजदूर टाइप तो नहीं होगा कोई गरीब तो नहीं होगा कोई तालिबान तो नहीं होगा जहाँ जहाँ चलता तो अब ये जो पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जो इस उम्र के बच्चे होते हैं ये तो खैर बीस साल का शाह खान उसकी उम्र कोई शायद महर फोर्टी प्लस बताई जाती है तो फिर भी यंग है अगर ये यंग लोग जो इंटरनेट के ज़माने की पैदावार है तो अच्छे खासे ये बा होने चाहिए मगर इनके प्लान देखिए क्या है बैकग्राउंड भी वैसी। वै, अच्छा चलिए स्टीरियोटाइप चले थिंकिंग तो थिंकिंगली मैं ये दावे से कहता हूँ मेरे पाकिस्तानी ज़ाहिर है हम उस बैकग्राउंड से आए हैं भारत को मैं अपनी सिविलाइजेशन मानता हूँ मगर पाकिस्तानी बैकग्राउंड के लोग सैकड़ों में दोस्त हैं बड़े बड़े रीज़नेबल हैं बदकिसमत से उनके माइंड सेट में भी ये बातें होती हैं हालाँकि वो यहाँ पर पी एच डी कर की है उन्होंने और मैं उनको एज़ अ फ्रेंड कभी कभी उनकी जैसे कहना डांट देता हूँ प्यार से कि यार गॉड से इनकॉन्सपेरीसी थ्यूरियों से बाहर आओ तो वो तो इस लेवल के लोगों में है जो जनरली कोर्ट एंड कोट बड़े नॉर्मल लोग हैं अब ये तो बाकायदा एब नॉर्मल लोग हैं जो टेररिज्म प्लान कर रहे हैं ठीक है अब ये जो सवाल आपने किया कि भी पाकिस्तानियों का ये कहना है वो बार बार पाकिस्तान का को कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ जाए कोई भी चीफ द आर्मी स्टाफ आ जाए वो ये बात ज़रूर कहता है जी कि हम पे टेररिज्म के आप इल्ज़ाम ना लगाइए एलिगेशन ना लगाइए हम खुद टेररिज्म से मुतासर होने वाले तो फिर मैं इन सब से कहता हूँ कि आप आ, हिलरी क्लिंटन की उस स्टेटमेंट को याद कीजिए जिसमें उन्होंने सालों पहले पाकिस्तान की लीड को और पाकिस्तानियों को यानी पूरे पाकिस्तान को कहा था कि अगर आप अपनी बैक यार्ड में सांप पालेंगे तो वो आपको डसेंगे ये हिलरी क्लिंटन ने सालों पहले इनको कहा था ये रियलिटी है अच्छा इस बात का इनको साथ ही वो कहते हैं जी सांप तो हमने पाल लेते किसी दूसरे के लिए तो हम तो बड़े मासूम हैं वो तो बस ये हमारी बैक यार्ड की तरफ ना आते हमने अपनी बैक यार्ड में पाले थे चूंकि वो जगह अच्छी थी तो हम चाहते थे कि ये यहाँ से निकल के दूसरों के घरों में घुस जाए ये भूल गए कि शाम सबसे पहले आपके घर में ही घुसेंगे और कुछ दूसरों के घरों में भी जाएंगे कुछ ये अपने वो जैसे ना बैगों में डाल के सांपों को ये दूसरों के घरों में फेंक कर भी आए किसी को जहाद कश्मीर पे किसी को जहादे अफगानिस्तान पे जहाँ जहां लेकिन वो कई जिंदा वापस आ गए और कई जो छुपे हुए थे इधर उधर बैक यार्ड के कोनों खुदरों में वो फिर इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं तो जब ये रवैया हो आपका बुनियादी सवाल कि ये तो खुद बड़ा शोर डालते रहते हैं रोला मचाते रहते हैं कि जी हम तो खुद जी मारे गए लुटे गए टेर्रिज़म का शिकार हैं हम तो बड़े मासूम हैं हम कैसे किस किसी पे टेर्रिज्म का करेंगे एक्शन तो भूल जाते हैं कि इन्होंने वो सांप पाले थे ये उसके डेयरी फार्मिंग की हुई थी इन्होंने और आज भी कर रहे हैं भाई तक आ, आज, भी हैं आज भी इनको मौका मिले आज भी इनको मौका मिले ना हाँ तो ये कश्मीर में आ, वो भेजना शुरू कर दे और अफगानिस्तान में भी कोई कम ना करें आ, अब कोई कसर काम ना करें मगर फिर ये भूल जाते हैं कि जब इनको कहा जाता है कि भाई आप इंसान बने अच्छा अब वो देखिए वो कहते हैं जी कि हम टेररिज्म के बड़े खुद शिकार हैं जाहिर है जो शाम पाली की वजह से शिकार है वो उन्होंने किया इंडस्ट्री के तौर के ऊपर डील किया गया दी है दी। हमेशा तो अब जो हालात हैं अब अगर अगरिटी भी हो तो भी जो इंडस्ट्री एक चल चुकी है और इतनी ज़्यादा फाल और कार हुई है वो फिर इंडिपेंडेंटली भी तो आपको हर्ट करेगी ना इंडिपेंडेंटली भी हर वो हर्ट कर रही है और अब हमने ये देख लिया और ये हर दूसरे तीसरे महीने आती रहती है कहीं यूरोप से कहीं अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया से कोई ना कोई कोर्ट कोट नाम निखात पढ़ा लिखा पाकिस्तानी बच्चा नौजवान मिडल एज मैन वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है टेररिज्म के चक्कर और अब फिर ये कनाडा एक कनाडा में रहने वाला पाकिस्तानी इस इल्ज़ाम के नीचे आया है पकड़ा गया है वो अमेरिका में पकड़ा गया था एक पाकिस्तानी डायरेक्ट पाकिस्तान से अमेरिका गया था वो डेढ़ दो महीने पहले वो पकड़ा गया था तो ये इनके तमाम तर विक्टम के बावजूद इनके जो ओवरऑल कारिस्थानियाँ हैं अनफॉर्चुनेटली वो पूरी दुनिया के सामने हैं आखिर में बताइए कि ट्रम्प और हैरिस की डिबेट से आने वाले सदारती इंतबाब पर कैसे असर होगा ये डिबेट कैसे असर अंदाज होती नजर आती है देखिए हम जो बातचीत कर रहे हैं ये हमारे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 10 सितंबर को दोपहर तो बारह बजे जाएगी और शाम को 10 सितम्बर की शाम को ट्रम्प और हैरिस की डिबेट होगी और इन दोनों की ये पहली डिबेट है जो मैं खबरें पढ़ रहा था वो ये थी कि कमला हैरिस को प्रैक्टिस कराई जा रही है कि ट्रम्प के वो जो उनके मुताबिक ऑकवर्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे डील करना है अच्छा ट्रम्प को तो खैर को प्रैक्टिस कराई नहीं जा सकती वो तो अपनी खुद ही प्रैक्टिस खुद ही करते हैं वो अगर कोई ऑकवर्ड क्वेश्चन भी कर लें तो चल जाता है ऑकवर्ड जवाब भी दे लें तो चल जाता है दूसरे का ऑकवर्ड क्वेश्चन या ऑकवर्ड जवाब ट्रम्प उसको बहुत बुरी तरह उसके साथ जो क्रिकेट की लैंग्वेज खेलते हैं चौका छा लगा देते हैं और अपने ऑकवर्ड क्वेश्चन और आंसर को वो हैंडल भी कर लेते हैं तो ट्रम्प इस मामले में एक्सपर्ट है लेकिन इस डिबेट का इलेक्शन पे कोई इफेक्ट होगा होगा मेरी जाति राय में बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होगा बहुत ही एक आध परसेंट इफेक्ट होगा मगर अगर वो एक आध परसेंट भी इफेक्ट हो गया तो ऑलरेडी कमाला हैरिस और ट्रंप के बीच तो एक दो परसेंट की ही वो गैप जंग, है गैप जंग है एक दो परसेंट की ठीक है? है तो इस सारी सूरत हाल में ये बिल्कुल इफेक्ट होगा और मुझे यूं लगता है कि अगर ट्रंप रेस में थोड़े नीचे रहे तो ट्रंप को इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ट्रंप के बारे में ट्रंप के हामियों ने पहले ही एज्यूम किया हुआ है कि साडा बंदा कोई भी बोंगी मार सकता है पर साडा बंदा है कमाला हैरिस के मामले में ये नबचन नहीं है अगर उनसे को बलेंडर हो गया ना तो जो अनडिसाइडेड वोट है वो ट्रम्प की तरफ चला जाएगा तो इसलिए ये जो आ, डिबेट है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और आ, काफी आ, जैसे कहते सेंसेशनलिज्म पे भी बेस करेगी

Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.